हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और आप देख रहे हो एक के मास्टर पॉइंट। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो दोस्तों, अगर आपके पास है आईफोन और आईफोन में अगर आपके पास मतलब मोबाइल से नॉर्मल सी बात है, आपकी बैटरी हेल्थ के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि बैटरी हेल्थ आईफोन में कितनी ज़रूरी होती है। तो देख सकते हो कि मेरी जो बैटरी हेल्थ है वो कितनी है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मेरा मोबाइल है भाई आईफोन 7, और आईफोन 7 में कितना ही मैनेज कर लो तब भी आपको बैटरी बहुत ही कम चलने वाली है, ये तो आपको नॉर्मल पता ही है। तो मैं यहाँ पर चार्जिंग पर ज़्यादातर यूज करता हूँ अपने मोबाइल को, इस वजह से यहाँ पर 83 मेरी परसेंटेज बैटरी हेल्थ है। अगर आपका मोबाइल है थोड़ा 12 से ऊपर, 13, 14, 15, 15 जो भी होता है, ठीक है, तो वो अगर मोबाइल आया तो आपको क्या करना है कि भाई आपको सिंपली क्या करना है मोबाइल के लिए, आपको बैटरी हेल्थ बचाने के लिए क्या करना है कि भाई आपको एक बात नोटिस करने वाली है कि आपको मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर जो है ना वो यूज करना है, ठीक है। कौन सा मोबाइल का यूज करना है? आईफोन का जो पर्सनल चार्जर होता है वही आपको यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मोबाइल को जब चार्जिंग पर यूज करो तो आपको ना अपने मोबाइल में मतलब क्या है कि चार्जिंग करते करते उसे यूज ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप मोबाइल हीट होने लगे तो आपको मोबाइल को ज़्यादा हीट होते समय भी यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उसे मतलब शांति कर दीजिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी बैटरी गलती से अगर गिरती है तो वो तो गिरेगी या नॉर्मल सी बात है, कभी ना कभी तो ख़राब होगी। लेकिन हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो, अगर इन बातों की आप ध्यान रखोगे तो आपको ज़्यादा मतलब एकदम से आपकी बैटरी हेल्थ नहीं करेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।